गिरने की कोई हिस्ट्री नहीं है ना? नहीं। मतलब कोई एक्सरसाइज करते हो जिम में कुछ? हाँ जिम में करता था। जिम जब स्टार्ट करी एकदम से हैवी लिफ्ट वगैरह तो लिफ्ट नहीं करना स्टार्ट कर दिया? नहीं हाँ शायद कर दिया था। किसी की गाइडेंस नहीं ली? हाँ क्योंकि गाइडेंस भी करा था ट्रेनर ट्रेनर से, मतलब नॉर्मल हैवी जो होता है ट्रेनर क्योंकि ये से। मसल का इम्बैलेंस थोड़ा ज़्यादा है, एकदम से हैवी लिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया शायद आपने शुरू से ही। एक तो ट्रेनर की हेल्प लीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी मसल वीक हैं आपकी, कौन कौन से पे काम करना है। क्योंकि राउंड बैक तो बन ही गया है काफ़ी ज़्यादा, और यहाँ पे एक हल्का सा ना हल्का सा काइफोटिक पोस्चर बन गया है, हल्का डेंट है यहाँ पे। जनरली ये राउंड होनी चाहिए ऊपर तक, तो यहाँ तक ठीक है, इसके बाद गड्ढा आ जा रहा है, ये गड्ढा आ रहा है यहाँ पे, तो ये वैसे ऊपर होना चाहिए शेप, इसका अंदर नहीं होना चाहिए। काफ़ी सिग्निफिकेंट ड्रॉप है जैसे हमने मार्क करा है। वहाँ खड़े होइए जरा। आप सीधा देखें, पेट में गड़बड़ रहती है क्या? कुछ हाँ ब्लोटेड रहता है। ब्लोटेड फूला फूला रहता है हाँ पेट? इधर खाना भी ढंग से नहीं खाता मैं, क्योंकि पूरा खा लेता हूँ ना अलग ही अजीब से पेट फूला रहता है इधर से। और नेवल ऑस्टियोपैथी भी करेंगे थोड़ा सा, नेवल रिपोजिशनिंग करने की कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, हल्का सा। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 18। थोड़ा सा ना ये आपका पेक्टस एक्सरविटम टाइप है थोड़ा सा, इसको भी हम कंसिडर करेंगे एक बारी। क्लेविकल दोनों बराबर हैं, बट ये थोड़ी ज़्यादा राउंडेड है और प्रोमिनेंट है, थोड़ा उभार है इस क्लेविकल में है, क्योंकि ये शोल्डर ड्रॉप है इसकी वजह से। ठीक है, घूम जाए उस तरफ मुँह करिए। रोटेशन है पल्विस का इस तरीके से, इसको पी आई इलियम बोलते हैं, थोड़ा रोटेटेड है इसकी वजह से ड्रॉप हो गया है। तो प्रॉब्लम कुछ समहाउ यहाँ पे है, थोड़ी सी यहाँ पे है और स्कैपुला में। फिक्स करेंगे, ठीक हो जाएगा। चलो पहनो टी शर्ट। असल में खड़ा होता हूँ ना तो अपने आप ही पैर ऐसे हो जाता है इस तरफ, ये लेफ्ट और कैसे? ऐसे ऐसे ऐसे। सीधे सीधे आराम से खड़े हो, सीधे खड़े हो। थोड़ा सा प्रोनेटेड आर्च है इसका, मतलब जो गड्ढा होता है ना यहाँ पे एक पीछे की तरफ, वो थोड़ा कम है। तो उसकी फुट मैपिंग की मशीन है हमारे पास, उसमें चेक कर लूँगा गड्ढे को भी, उसमें शायद उसमें दिक्कत है। ज़रा दोनों टखने मिलाना आपस में, दोनों मिलाना। सीधे खड़े हो, सीधे सीधे। थोड़ा सा लॉक नी भी है, ये बाई बर्थ है दोनों आपको, क्योंकि जनरली ये नी टच नहीं होना चाहिए, जैसे मेरे टच नहीं हो रहे ना वैसे टच नहीं होने चाहिए, आपके टच हो रहे हैं, तो ये बाई बर्थ है ये भी। इसको ठीक तो नहीं करा जा सकता, लेकिन इसको सुधार ज़रूर सकते हैं हम लोग, राइट? थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं। लॉक नहीं तो एक बाई बर्थ प्रॉब्लम है। मतलब ये ना खड़ा होता हूँ ऐसा लगता है कि ये तो सही है ऐसे खड़ा हूँ, ये लगता है कि ऐसे घूम रहा है ऐसे। हाँ एक तरफ पल्विस जब रोटेट होता है तो जोर लेता हाँ ही है, बट वो अलाइनमेंट करेंगे ना तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। अच्छा से एडजस्ट कर लो अपना दोनों। मेरी तरफ घूम जाओ, ढीला छोड़ देना। जीरा छोड़ो, सांस लो, एक और L4 करेंगे।
सांस लो जरा, छोड़ो, फिर से लो, छोड़ो, फिर से लो, छोड़ो, एक बार लो, छोड़ो, फिर से लो, छोड़ो, 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 बैठो जरा, थोड़ा मेंट करो, घुटने मेंट करो, सांस लो अंदर से, छोड़ो, 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 पकड़ के रखो एक बार हाथ, और फिर से सांस लो, छोड़ो, पीछे पीछे पीछे, चल के देखो जरा, देखो उठ के देखो, बैठ के देखो कैसा लगता है। ये मन में मत सोचो कि झुकाव है, फ्री फील करो अपने आप को पहले। हेलो सर, बराबर कर दिया मैंने वेट आपका, दोनों बल्बिस दोनों बराबर कर दिए। अच्छा, अभी आपको वेट दोबारा बराबर बराबर लगेगा दोनों पाँव पे, एक लग भारे नहीं लगेगा। हाँ, ये बड़ा हल्का रिलीफ लग रहा है। यस, चेस्ट फुला के देखिए, चेस्ट पूरी फूलेगी, दबी दबी चेस्ट नहीं लगेगी आपको, ये ज़्यादा फूली लग रही है ऐसे। एक थोड़ा सा फर्क होता है लेफ्ट से राइट में, वो 5% का फर्क वो काउंटेबल नहीं होता, क्योंकि एक हाथ दूसरे हाथ से भारी होता है। जो ज़्यादा लग रहा था वो देखो आप, यही ज़्यादा तो यही लग रहा था, पर ये भी हल्का फुल्का ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है, वरना ये ऐसे होता है ना कि चेस्ट छोटी लगती है। अब देखो ना पूरा चेस्ट सीधा करके देखो, चेस्ट छोटी कहाँ लगेगी, अब कहाँ लगेगी चेस्ट, बराबर नहीं लगेगी। झुक के देखो, पूरा रेंज ऑफ मोशन है, पीछे जाके देखो, चाहे जा रहा पीछे से। अब वो चीज़ करके देखो जो पहले नहीं हो पा रही थी, क्या चीज़ हो नहीं पा रही थी, क्या क्या हो रहा था, क्या नहीं हो पा रहा था। मैं पुशअप से मारता था तो लगता था खाली इसी चेस्ट, इसी लेफ्ट चेस्ट से मार देता हूं, दोनों बराबर बैठ जाएगा आराम से, 5 पुशअप आराम से निकल जाएंगे आपके। 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बराबर वेट जा रहा है। ऐसी कोई प्रॉब्लम बची है जो कर सकते हैं कि पोस्टर में पूरा लाइन कर दिया वैसे। अच्छा सर, और कितने सेशन लेंगे? एक सेशन और करो, फिट एंड फाइन, क्या दिक्कत है, 80% तो ठीक हो चुका है, एक फाइनल टचअप और दे देता हूँ, प्रॉब्लम ही नहीं है कुछ। लेकिन एक बात, ऐसे सोचना नहीं कि मेरा ये नीचे है, ये ऊपर है, वो नीचे है। हाँ। क्योंकि एक बार थॉट प्रोसेस सोचने लगते हैं ना हम लोग, ये ऊपर नीचे है, भारी हल्का है, तो दिमाग में वो मेमोरी फीड हो जाती है। तो हर खाना खाने में बैठे उठे में ऐसा लगता है, फिर वो धीरे धीरे मेमोरी भी बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी, फिर आप फिजिकली तो ठीक हो पाओगे लेकिन मेंटली ठीक नहीं हो पाओगे उससे। तो आज और अभी इसको निकाल दो कि मेरा ये भारी हल्का है, बिकॉज हमने एसेस कर लिया और ट्रीट भी कर दिया।